अगर मैं डाकू बना हूँ तो भगत सिंह के लिए बना हूँ, और मेरी यही प्रतिज्ञा है जब तक उसका सर काट कर सुषमा के कदमों में नहीं रखूंगा तब तक डाकू बना मेरे तल पर रहेगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो भैया आप भगत सिंह के लिए डाकू बने हैं, रोटी खिला दीजिए भैया। समझे तुम चिंता मत करो, मैं गांव में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से रोटी मांग कर तुम सब ले जाऊंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप तुम लोग यहीं पर आना, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं गांव में जा रहा हूँ, रोटी मांग कर जरूर आऊंगा। सुषमा हम दोनों की कैसी जिंदगी हो गई है कि एक रोटी के लिए तरस है। जेकरे करम में जितना लिखे विधाता पतिया विपतिया राम भोजे लेकिन सर
बच्चा कुछ बजाता है तो अपने आप गिर जाता है। मैं परेशान होता है, घबरा कर माटा भी बार बार क्यों गिरा जा रहा है। Thank you.
क्या देख रहा ये तो रास्ते में तबला साई बैठी है और अपने बाद बच्चा भी लिया है बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ और किसी के बच्चे का बलिदान करना ठाकुर हो जाएगा रास्ते का एक कांटा और भी शांत हो जाएगा अरे कबा अरे हरामखोर बाला चिंतू और यहाँ अरे कमीने मैं तेरा क्या बिगाड़े हुए जो इस तरह हाथ जोड़कर तेरे पीछे पड़ा है अरे तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया सब कुछ छीन लिया अब क्या रह गया है यहाँ चला जाए यहाँ से हराम जाके चला जाती है किस लिए आओ सुनेगा Thank you.
जगत मेरे संदीप जैसे लग रहे हैं, लेकिन मेरा संदीप नहीं हो सकता। मैं चला अपने संदीप बताने, अगर मेरा संदीप होगा तो जरूर मेरे पास आएगा। क्या बताओ बेटा संदीप, मैंने मदनपुर गया और अपने कागज मील में देखा कोई आग नहीं लगी थी, और अपने बेटे कुलदीप को ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन मेरा कुलदीप मुझसे ना मिल सकता। वहां से निराश होकर मैंने घर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखा, तेरी भाभी मुझे मिली, था मुन्ना और गोद में बच्चा था। मैंने बहुत सारी बात पूछा तो बाबू ने सारी बात बताई कि मेरे पिया किसानी है, अब बाबूजी मेरा बेटा भूखा है, अगर दूध नहीं मिलेगा तो मेरा बेटा दम तोड़ देगा। मैंने कहा बहुत चिंता ना करो, चलो मेरे साथ, मैं अपने नाते के लिए दूध जरूर इंतजाम करूंगा। इस शिव जी के मंदिर के आ रहा हूँ दूध लाने के लिए। बेटा ये क्या करे बाबू जी, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी भाभी माँ अपनी हालात से उठ कर कहीं आत्महत्या कर ली, लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरी भाभी माँ के पेट में जो बच्चा पला था वो जन्म ले लिया है, और आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए हैं बाबू जी। और बाबू जी आप मदद कर गए, भैया का बहुत पता लगाए, जब भैया आपसे नहीं मिले तो आप निराश होकर घर पे आ गए कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है। नहीं बाबू जी, भैया मरे नहीं है बाबू जी, भैया जिंदा है, मेरा मुन्ना इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन वो कहा है मैं अपने बेटे से मिलने की है बेटा भूलना। बाबू जी भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है और हम रोपाने के लिए भैया रोटी ले गए हैं, आप शिव जी के मंदिर पे बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिल के फिर दूध ले के जाना बाबू जी। और बाबू जी मैं आपको एक बात नहीं बताया, मैं शादी कर लिया हूँ,
आपकी बहू आपके पास से आप ले लीजिए। Yeah.